वाला कोई गेट पर आने को तैयार नहीं हो पाए। ये लोग जो दोनों लोग हैं ठेकेदार बन गए, ये भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस के नेता, सब ठेकेदार बन गए। और इसीलिए प्रबंधन मैनेजमेंट के हौसले इतने बुलंद है कि आए दिन आप पर किसी न किसी प्रकार का अन्याय कर रहे हैं। रात की दो दो तीन तीन बजे चेकिंग पे आते अधिकारी, आपका फोटो खींच जाते, आपको बेइज्जती करा जाता है, पल पल आपको अपमान का घुट पीना पड़ता है। आप ड्यूटी जाते हो, आपका परिवार भयभीत और दहशत के माहौल में रहता है कि कब हमारे मुखिया के साथ कोई हरकत हो जाए, कोई घटना घटित हो जाए, तो उसका जवाबदार कोई नहीं है, उसके पीछे बोलने वाला कोई नहीं है। अगर आप अपने स्वयं के हित की रक्षा नहीं कर पाओगे तो फिर आने वाले समय में कोई भी आपको बचाने के लिए नहीं आ पाएगा। मैं आपसे यही अनुरोध करने आया हूं। बहुत सारे कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने अपना ईमान मैनेजमेंट के कदमों में गिरवी रख दिया है, और एक अकेले हम हैं जो मैनेजमेंट से हर काम में पंगा लेते हैं, हर अनीति का, हर अन्याय का, हर अपमान का आवाज उठाते हैं। आपके समय मैनेजमेंट हमसे भी बोलता है, उद्योग प्रबंधन के अधिकारी हमसे बोलते हैं कि यार तुमको भारी उन मजदूरों की पड़ी रहती है, क्यों उनके लिए बोलते रहते हो, वो कोई तुम्हारे काम नहीं आने वाले, तुम भी ठेके ले लो, तुम्हारे को भी हम ठेके देने को तैयार है। मेरा ये कहना है कि साहब जब तक तुम्हारी अन्याय और अनीति का वे विरोध कर रहा हूं तो सड़क पे गेट पर खुलेआम सीना ठोक कर तुम्हारा विरोध करूंगा। मेरे रगों में श्रमिक का मजदूर का खून बहता है, मेरे रगों में मेरे श्रमिक का मजदूर का खून बहता है, और मैं खुद भी इंस्ट्रूमेंट विभाग में एक श्रमिक रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप लोगों पर जब आप लोगों का अपमान होता, अधिकारी आपको परेशान करते हैं, तो आप पर क्या बीतती है। आपकी तनख्वाह जो आपके परिवार का भविष्य निर्धारित करती है, आपके परिवार का आर्थिक संकट दूर करती है, ये वेतन वृद्धि का समझौता होने जा रहा है। अगले साल वेतन वृद्धि का समझौता होगा जो 2024 जनवरी में लागू होना था। आपको मजाल है किसी भी एक ट्रेड यूनियन नेता के मुंह से आवाज निकल रही हो, और दोनों पार्टी भाजपा और ये कांग्रेस, कोई ने भी आकर अभी तक आप लोगों से ये नहीं बोला कि हम वेतन वृद्धि का समझौता अच्छा करवाएंगे। उनकी ताकत नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं है। फैसला आपको करना है, निर्णय आपको लेना है कि जो लोग ऑन ड्यूटी में कांग्रेस और बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, वो अगर ये दावा करते हैं कि आपके हितों की लड़ाई लड़ेंगे, तो किस तरह वो लड़ाई लड़ेंगे, जबकि अपना ईमान वो एक ऑन ड्यूटी में गिरवी रख रहे हैं उद्योग प्रबंधन के आगे। किस तरह आप लोगों का अधिकार और हक किस तरह वो सुरक्षित रख पाएंगे, ये आप लोगों को फैसला करना है। 17 नवंबर को शुक्रवार को मतदान होने जा रहा है। मेरा सभी श्रमिक साथियों और उनके परिवारों से यह अनुरोध है कि अगर आपको आपके हित की आवाज बुलंद रखना है, चुनाव परिणाम कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग आएंगे और ये बोलेंगे कि यार वो आम आदमी पार्टी को क्यों वोट दे रहे हो, उनका वोट देना मतलब गड्ढे में वोट देना है। लेकिन आपके पास एक जवाब है कि साहब आप लोगों को बार बार वोट देकर हम गड्ढे में ही पड़े हुए हैं, हमको गड्ढे से कहां उबार पाए आप लोग। हम लोग गड्ढे में पड़े हुए, ना तो हमारा वेतन वृद्धि का सम्मानजनक समझौता हो रहा है, ना हमारे 3500 भाई जो बाहर कर दिए गए उन लोगों के वापस न्याय दिला पा रहे हैं, और तो और पास व्यवस्था से हमको काम कराया जा रहा है। कोई हमारे साथ घटना दुर्घटना घटित हो जाएगी तो हमारे परिवार का क्या होगा। इतने गड्ढे में उन लोगों ने आपको रखा, एक बार आपके भाई सुबोध कृष्णा स्वामी पे विश्वास जताइए। मैं कई बार आपके आपके खिलाफ जो माहौल बन रहा है, आपके खिलाफ जो अनीति और अन्याय हो रहा है, उसकी आवाज बुलंद करने गेट पर आया हूं। मैंने आज तक आपसे कभी कोई चंदा नहीं मांगा, आज तक आपसे कोई रुपया नहीं मांगा,
मैं सिर्फ एक बार आपके अधिकार के लिए आपका वोट मांगने आया हूं। अगर आप वोट दोगे तो यह बुलंद आवाज आपको गेट पर हमेशा मिलेगी। अगर आप वोट दोगे तो श्रमिकों की यह बुलंद आवाज और मैनेजमेंट की कान फोड़ू आवाज यह हमेशा आपके बीच में रहेगी। इसलिए फैसला आपको करना है। बहुत लोग आएंगे, अलग अलग बातें करेंगे, रात के अंधेरे में दरवाजा खटखटाएंगे, ये वही लोग है जो ऑन ड्यूटी घूम रहे। अरे मैनेजमेंट के हाथों अप्पी से अपने आप को गिरवी जिसने रख दिया वो क्या आपके अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे? आपको आपके बच्चों की तरफ देखकर वोट देने जाना है। आपको आपके उद्योग में आप जिस स्थिति में काम कर रहे हो उनको देखकर, उसको ध्यान में रख के वोट देने जाना है, ना कि किसी पार्टी को देखकर वोट देने जाना। बहुत समय हो गया, दोनों दलों को बहुत आशीर्वाद दे दिया। आपके वोट लेते लेते एक आपके वोट से 15-20 परिवार ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे और आप वही खून का घुट पी के जीवन जी रहे हो। आप इस जीवन को जीने के लिए नहीं हो। यह नागदा नगर का श्रमिक इतिहास कहता था, जब जब श्रमिक एकजुट हुआ, मैनेजमेंट नहीं हर नेता हिलाया आपके आगे। एक बार फिर मैं आपको जगाने आया हूं, अगर आप जाग जाओगे तो आपके हित सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा आपको मालूम है जिस तरह मैनेजमेंट दमन कार्रवाई कर रहा है वो दमन उनका और बढ़ता जाएगा। मैं अंत में मेरी ये दो लाइनें सुन लेना और चिंतन मनन करना घर जाके कि मैंने जो बोला है वो सही बोला है या गलत बोला है, और उसके बाद अपने वोट का निर्णय करना। मैं आम आदमी ही सही, मैं छोटा ही सही और मैं आम आदमी ही सही, मुझे बचाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। और दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, क्योंकि ये चिराग कई आंधियों पे भारी है। जय हिंद जय भारत, हमेशा के लिए सुना हो जाएगा। जब जब कोई इस गेट पर आया है उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया और भाजपा और कांग्रेस दोनों दल के नेता चुपचाप बैठे देखते रहे। चुनाव आने पर आपके नाम का घड़ियाली आंसू बहाते हैं, लेकिन दोनों की हिम्मत ही नहीं कि गेट पर आपके हक की बात कर ले। अगर इतने बिके हुए लोगों को फिर से आप लोगों ने चुन लिया तो ये मान के चलना आने वाला पांचवा साल रहेगा आपका, वो बहुत ही दुखदाई और कष्ट जीवन आपको मजदूर में वहां पर उद्योगों में झेलना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं। मेरे को कई बार बोला अधिकारियों ने कि तुम फोकटी वो उद्योगों के श्रमिकों की आवाज उठाते रहते हो। 3,500 श्रमिक बाहर हो गए, 20 लोग भी तुम्हारे साथ नहीं आए। लेकिन मैंने उनको जवाब दिया, मेरे साहब जिस दिन मैं 3,500 लोगों के नौकरी की रक्षा करने लायक हो जाऊंगा तो वह 3,500 नहीं 20,000 लोग मेरे पीछे दिखेंगे। मैं जानता हूं आज जो लोग मेरे साथ आएंगे उनकी नौकरी छीन ली जाएगी और मैं किसी की नौकरी छीनने देना नहीं चाहता। इसलिए जो लोग आते हैं उनको भी मैं ये बोल देता हूं कि तुम दूर खड़े रह के मेरी बात सुनो, तुम दूर खड़े रह के मेरी बात सुनो, लेकिन गेट पर आकर अपना विरोध मत दर्ज कराओ, नहीं तो आपको परेशानियां होगी। आज की स्थिति में किस तरह से काम हो रहे आप ये देखो, सुरक्षा के नाम पे, सिक्योरिटी सेफ्टी के नाम पर आपको किस तरह परेशान किया जा रहा है, और सेफ्टी के नाम पर आपको कोई भी साधन देने को वो लोग तैयार नहीं। मेरे को लोग बोल रहे थे, मजदूर आके मेरे से बोलते हैं कि यार भैया हमारे साथ ऐसा हो रहा है। मेरा एक ही कहना भैया, अगर आपको श्रमिक हितों की एक बुलंद आवाज विधानसभा में पहुंचानी है तो परिवर्तन करना पड़ेगा, नहीं तो गुंगों को बैठाओगे, मौन व्रतधारियों को अगर बैठा दोगे तो आप स्वतः समझ लें कि आपकी हालत क्या होगी। ये गेट छूना हो जाएगा, इस गेट पर बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। आखिरी में वो लोग ऐसे भी आएंगे कि यार वो आम आदमी पार्टी वाले हैं, चुनाव तो वो जीत सकते नहीं, फिर काय के लिए अपना वोट गड्ढे में डालोगे। आप ये बोलना कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार आप लोगों को वोट दिया और आप लोगों को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचा दिया,
लेकिन मजदूर की स्थिति गड्ढे से नीचे ही जाती जा रही, गड्ढे से ऊपर आ ही नहीं पा रहा मजदूर, तो इस बार आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं वोट दे दिया जाए? जो ठेकेदार बने हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन ठेकेदारों के ठेके में भी जो कोरोना काल के पहले मजदूर 400-500 की रेट पे काम किया करता था, वो आज 325-320-350 रुपए में काम कर रहा है। ये न्याय दिलाएंगे आपको? 20-25 साल वाले को भी, उनके ठेकों में भी 5 से लोग काम कर रहे हैं, ये न्याय दिलाएंगे आपको? अगर आपने ये सब नहीं सोचा तो फिर जब अब पछताए होत गया चिड़िया चुग गई खेत वो वाला कहावत चरितार्थ हो जाएगी। इसलिए 17 नवंबर को आप सजग रहे, आपका परिवार सजग रहे, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, विश्वास नहीं गारंटी, वादा नहीं कर रहा हूं, यह गारंटी है मेरी, सुबोध कृष्णा स्वामी की यह गारंटी है कि जिस दिन 3 तारीख को आम आदमी पार्टी का विधायक बना, इन लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि रात में भी आकर तुमको चेकिंग कर जाए, इन लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारे पास अपमान कर दे तुम्हारा, और इन लोगों की हिम्मत नहीं होगी किसी भी ठेकेदार की कि 5 से किसी से काम करवा ले। उसी दिन कार्ड देना पड़ेगा, उसी दिन पास व्यवस्था बंद होगी, और उसी दिन अधिकारी अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, लेकिन वो वोट आपको देना पड़ेगा। वोट की ताकत अगर आप नहीं दोगे, या आप किसी जनप्रतिनिधि के उन बहकावे में लालच में आकर उन्हीं लोगों को चुन लोगे जो कभी भी आपके आवाज नहीं उठाते हैं, तो ये स्थिति आने वाले 5 साल होगी। मेरे को दादा बता रहे थे कि साहब हमारी पेंशन ही नहीं मिल रही है, हमारी पेंशन के लिए कोई आवाज नहीं उठाता। मैंने बोला कि जिस व्यक्ति को आपने विधानसभा में पहुंचाया वो 3 बार की तो पेंशन ले रहा है, और चौथी बार की पेंशन पक गई है, 4-4 बार की पेंशन ले रहे हैं, लेंगे वो, और जिस क्षेत्र से वो विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, हजारों पेंशनधारियों ने उनको विधानसभा में चुन के पहुंचा दिया, लेकिन वो पेंशनधारी एक एक बार की पेंशन को तरस रहे, उनकी आवाज ही नहीं उठा रहे हो। 4 बार की पेंशन लेने वाला व्यक्ति, और पेंशन कोई 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 रुपए की पेंशन नहीं है, 1-1 लाख रुपए महीने की पेंशन है, और 4 बार की पेंशन मतलब 4 लाख रुपए की पेंशन, 4 लाख रुपए की पेंशन लेने वाला व्यक्ति हमारे क्षेत्र के 2-3 हजार, 5 हजार रुपए की पेंशन लेने वाले पेंशनधारियों की आवाज नहीं उठाएगा, तो फिर कैसे आप लोग चुनोगे उनको? अगर आपने चुना तो फिर वही गलती करोगे, और अगर वो गलती करी तो ये निश्चित मानना कि आने वाला जो 5 साल है वो बहुत कष्टमय होगा। मैं आपको जगाने आया हूं, मैं 2 लाइन से आप मेरी बात को विराम दूंगा कि मैं छोटा ही सही और मैं आम आदमी ही सही, मैं छोटा ही सही और मैं आम आदमी ही सही, मुझे बचाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं छोटा ही सही और मैं आम आदमी ही सही, मुझे बचाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, क्योंकि ये चिराग कई आंधियों पे भारी है, कई आंधियों पे भारी है। जय हिंद, जय भारत।